हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने मोबाइल से ही अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, दोस्तों से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आप जो भी अपने मोबाइल में ब्राउज़र यूज करते हैं वो ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है nvsp.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर टैप करके डायरेक्ट इस पोर्टल पर जा सकेंगे। दोस्तों, ये पोर्टल ओपन हो गया, आप देख रहे हैं, आप इसको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे पहला ही लिंक मिलता है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर। आपको यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मलयालम तीन लैंग्वेज है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप उसको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे अपना राज्य सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और फ्रेंड्स, जो रेड कलर के स्टार के आइकन है, ये मैंडेटरी है, ये आपको ज़रूर फिल करने हैं, इनके बिना आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप पहली बार इसे अप्लाई कर रहे हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट सेट है। अगर आपने शिफ्ट किया तो आप यहाँ नीचे टिक कर दें। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम डालना होगा। नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना निकनेम डालना होगा। और उसके बाद दोस्तों, आपको अपने एक रिलेटिव का यहाँ पे नाम डालना होगा, अपनी फादर मदर, उसके बाद उनका उपनाम डालना होगा। और आपको यहाँ पे क्या उनके साथ रिश्तेदारी है वो सिलेक्ट करनी होगी। फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट करना होगा, डेट, मंथ, ईयर। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आपको यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फीमेल है। उसके बाद आपको अपना घर संख्या, अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, किस भी आप गली वार्ड में रहते हैं, किस शहर में, गांव में रहते हैं, डाकघर, यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। फिर आपको अपना यहाँ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, अपना जिला सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। अगर आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है वही आपका सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे उपयुक्त के समान आप यहाँ पे टैप कर दें। अगर आपका ये सेम एड्रेस नहीं है तो दोस्तों, आप यहाँ पे दोबारा अपना ग्रह, गली, क्षेत्र, गांव, एरिया, डाकघर, पिन कोड यहाँ पे डाल दें। आप दोबारा अपना राज्य, राज्य क्षेत्र सिलेक्ट करें यहाँ से, फिर अपना जिला सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अगर आपको आपकी देखने की क्षमता कुछ वीक है या सुनने की क्षमता वीक है तो दोस्तों, आप यहाँ पर उसे टिक कर दें। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन मिलता है और मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है। वैसे ये ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास आप ईमेल आईडी है तो आप उसे डाल दें जरूर, और मोबाइल नंबर तो आप यहाँ पे डाल ही दें। अब लास्ट में दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइल चूज करने का। आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो चूज फाइल पर टैप करके अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ से वो आप अपने मोबाइल की गैलरी में पहले ही सेव करके रख लें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। आप जैसे यहाँ सिलेक्ट पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट का। मार्कशीट आप 10th, 8th या 5th क्लास की अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है दोस्तों, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रेजिडेंस प्रूफ देना होगा दोस्तों, उसकी फाइल अपलोड करनी होगी। आप यहाँ देख रहे हैं इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, जो भी इनमें से आपके पास कोई भी हो उसे आप यहाँ पे उसे अपलोड कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे दोबारा घोषणा में अपना गाँव, शहर, राज्य, जिला डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे स्थान। तो दोस्तों, ये सब डालने के बाद आप इसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, दोबारा से अच्छे से चेक कर ले, ताकि आपसे कोई गलती ना रह गई हो। यहाँ पे उसे अच्छे से चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे भेजे पे सेंड करना होगा। जैसे आप सेंड करेंगे दोस्तों, आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको कुछ दिनों बाद अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह बिल्कुल ही आसान तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर तो सबके साथ जरूर करना, ताकि जिन्होंने भी अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है वो अपने मोबाइल से ही अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।